हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज बनाएंगे हम पोटैटो ब्रेड चीज़ डोनट्स। इसको आप मेयोनीज के साथ खाइए या चटनी के साथ। देखिए कितना चीज़ी है और बनाना तरीका बहुत आसान है। बनाइए इफ्तारी में, बनाइए मेरे, बना के खाइए। इसके लिए हमको पहले 2 चम्मच तेल डालेंगे, बड़े चम्मच, फिर 1 चम्मच अदरक लहसुन, उसको अच्छे से भून लेंगे। फिर ये प्याज, शिमला मिर्ची, गाजर, आपके पास जो सब्जी, गोभी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून लेंगे, फिर इसको थोड़ा इसका नरम हो जाने तक भून लेंगे इसको। फिर ये घिसे हुए आलू डाल देंगे, उबला हुआ खिसा हुआ आलू उबाल के खिसने का। फिर इसमें जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, लाल मिर्ची और ये टमाटो केचप डाल के इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसको अच्छा मिक्स करना, 10 मिनट तक इसको ऐसा मिक्स करके पकाइए। आप चाहे तो इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं, आपके पास होंगा जो। फिर एक ब्रेड लेंगे, फिर उसको एक कटोरी नहीं तो कटर के सहायता से ऐसा गोल राउंड शेप काटेंगे। ऐसा शेप, दो गोल शेप निकालिए और जो किनारे बच जाएंगे उसके ब्रेड क्रम बनाइए। देखिए ऐसे ही सब शेप में निकालिए। फिर आपके पास कुकिंग कटर नहीं होगा तो ये छोटा, ये बॉटल, एपी की बॉटल, छोटी बॉटल होगी, कौन सी बॉटल आपके पास होंगी उसके ढक्कन से, नहीं तो इसके बॉटल से सब बीच में होल कर दीजिए उसको। देखिए बहुत इजी है जुगाड़ू। और उसके ऊपर ये आलू की फैला दीजिए, फीलिंग्स, आलू की फीलिंग्स फैला दीजिए अच्छे से। फैला के बीच में थोड़ा सा गैप करिए, फिर उसकी अब बॉटल के नीचे, बॉटल के सहायता से उसको कट करिए बॉटल से, बीच का सेफ। देखिए राउंड शेप, बराबर राउंड हो जाता है। और इसके ऊपर रख दीजिए दूसरा, बन गया डोनट्स। ऐसे ही दूसरा देखिए, सेम ऐसे। आप चाहे तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं, आपके घर में रहेगी तो डालिए। मेरे पास थी ये ग्रेटेड चीज़, मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर रख के। थोड़ा उसके हाथों से प्रेस करें। देखिए ऐसे डोनट्स। फिर एक कटोरी में ये लीजिए, 2 चम्मच मैदा, फिर 1 कप पानी, थोड़ा पतला घोल बनाए इसका बैटर। अच्छे से बैटर को मिक्स करिए, नहीं तो लंग्स रह जाते हैं अंदर। मिक्स करने के बाद पहले डोनट्स को डालिए, पहले किनारे किनारे बंद कर दिए जिसके। आपको दोनों हाथों से सहायता से होता है तो करें, नहीं तो एक हाथ से भी कर सकते हैं आप। बहुत इजी है, नहीं तो ऐसा चम्मच से आप उसके ऊपर डालें। फिर ब्रेड क्रम में ऐसा डिप करिए और लगाए, पूरा चारों तरफ से ब्रेड क्रम लगा के रख दीजिए इसको। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, लो फ्लेम पे नहीं तलना इसको, फास्ट गैस पे तलिए क्योंकि ब्रेड है जल्दी लाल हो जाता है। और ज़्यादा लो पे रखेंगे तो तेल पी जाएगा, इसलिए इसको फास्ट गैस पे तलिए। अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कैसी लगी डिश बताइए। मेरा वीडियो पूरा वॉच करिए, एक साइड लाल हो जाएगा तो चेंज करिए।
पटाटो के डोनट्स, ब्रेड पटाटो और चीज़ के डोनट्स। देखिए दोनों तरफ से कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसको निकाल दीजिए, अब आप चाहे तो टिश्यू पेपर पर भी निकाल के रख दीजिए इसका तेल रिलीज होने तक। हो गया चीज़ डोनट रेडी, इफ्तार में बना के खाइए। आपको डिश अच्छी लगे तो बोलिए, कमेंट्स करिए डोनट्स कैसे लगे बताइए। टेस्टी लगते खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। ओके बाय।